हेलो गाइज, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि मैं पहले बता देती हूँ जिन लोगों को नहीं पता कि मैं टिल्विन सीएसएस पर ऑलरेडी वीडियो निकाल चुकी हूँ, ठीक है। तो आज हमारा उसी का थर्ड पार्ट है। एक्चुअली हमारा रियाक का जर्नी चालू है जिसके अंदर मैं टिल्विन सीएसएस का भी पार्ट कंप्लीट कर रही हूँ ताकि आप क्लियर हो जाए जो भी रियाक जीएस में लगने वाली चीज़ें हैं ना, वो सारी स्टेप बाय स्टेप हम देख रहे हैं। तो बेसिकली आपको क्या करना है, रियाक जीएस का प्लेलिस्ट सबसे पहले देखना है, देन उसके अंदर टिल्विन सीएसएस का पार्ट आएगा तब आपको टिल्विन सीएसएस का ये वाला वीडियो देखना है, ठीक है। अगर सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको पता है, जैसे रियाक जेएस पता है आपको, टिल्विन सीएसएस भी पता है, लेकिन आप जानना चाहते हो कि टिल्विन सीएसएस पर हम फ्री में टेम्पलेट कहाँ से लेते हैं, यानी कि टिल्विन सीएसएस के जो भी कोड रहते हैं ना वो हम कहाँ से लेते हैं, तो ये वीडियो आप डायरेक्ट दे सकते हो, ठीक है। तो चलो ठीक है, यहाँ से मैं वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ। बेसिकली मेरा आज का टॉपिक ये है कि हम टिल्विन सीएसएस के जो भी टेम्पलेट रहते हैं, जो भी हमारे पास जो कोड रहता है ना, देखो बेसिकली मेरा पॉइंट क्या है, 2024 में अगर मैं एज अ डेवलपर हूँ, ठीक है, तो अगर मेरे को टिल्विन सीएसएस पता है लैंग्वेज, ठीक है, इसका यूज़ करके मैं एक वेबसाइट बना सकती हूँ, लेकिन मैं इतना टाइम वेस्ट इसमें नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, ऑनलाइन ही कोड ढूंढूंगी ना। ऑनलाइन कोड ढूंढने के बाद वहाँ से मैं कुछ चीज़ें चेंज करूँगी, तो कुछ चीज़ें चेंज करने से करना आने के लिए मुझे पहले तो ट्यूटोरियल देखना पड़ता है, जो मैंने ऑलरेडी ट्यूटोरियल मैंने बता दिया जितना इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, वो वीडियो आप देख लेना इसी के ऊपर वाले, ओके, पार्ट वन पार्ट टू। देन अभी थर्ड पॉइंट पार्ट हमारा क्या है कि अगर हमारे पास फ्री टेम्पलेट मिलता है तो वो कहाँ से मिलता है और उसका कैसा यूज़ करना है, ओके, तो वो आज हम देखने वाले, ठीक है। तो सिंपल है, यहाँ से मैं वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है, यहाँ से हम वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ। तो देखो सेकंड पार्ट में अब तक हमने ये चीज़ें करी है कि हमने एक न्यू बार कैसे बनाना हमने वो देखा है, ठीक है, यानी कि हम टिल्विन सीएसएस का यूज़ करके हमने खुद का एक न्यू बार क्रिएट करा था, ठीक है, और वो भी हमने एक रिस्पॉन्सिव न्यू बार कैसे क्रिएट करना वो हमने देखा था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता ही होगी, फिर भी मैं आपको एक रिव्यू दे देती हूँ, ठीक है, हमने कैसे एक्चुअली बनाया था, ठीक है। तो ये देखो मैं इसको इंस्पेक्ट कर देती हूँ, ठीक है, ये देखो मैं आपको टैबलेट और इसमें दिखा रही हूँ, ठीक है। तो ये टैबलेट पर जैसे आता है हमने इसको लाइक न्यू बार बनाया ऐसे कि लाइक हाइड हो जाए, ओके। मैं एज इट इज़ अगर क्लोज कर देती हूँ तो मेरा होम पेज एज इट इज़ डिस्प्ले होता है, ठीक है, ये टैबलेट के लिए भी सेम वर्क होता है। ये देखो टैबलेट में भी मेरा न्यू बार एज इट इज़ डिस्प्ले करता है, जैसे मैं इसको क्लोज कर देती हूँ ये न्यू बार हट के मेरा होम पेज एज इट इज़ मुझे डिस्प्ले हो जाएगा। एंड अभी देखो ये सेम होगा मोबाइल और टैबलेट के लिए, उसके बाद मेरा डेस्कटॉप पर मेरे को ये सिंपल सा ऐसे डिस्प्ले होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो एक साइड में हमारा लाइक लोगो वगैरह है, सेकंड बीच में हमारा सारे पेजेस है, लास्ट में हमने एक बटन रखा है, ठीक है, ये हमारा डेस्कटॉप के लिए ऐसा व्यू है, ठीक है। तो हमने कुछ इस तरीके से रिस्पॉन्सिव में न्यू बार बनाना हमने देखा था पिछली वीडियो में, ठीक है। मैं एक्चुअली पूरा वेबसाइट बनाने वाली थी लेकिन कुछ चीज़ें और दिखाने के चक्कर में मेरा इतना बड़ा वीडियो हो गया क्योंकि मैं वो दिखा ही नहीं पाई, इसी वजह से मैंने ऐसा सोचा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। लेकिन आज हम इसका नेक्स्ट वीडियो यानी कि हम सारी होम पेज या अबाउट पेज ये सब बनाते नहीं बैठने वाले, हम क्या करने वाले, हम ऑनलाइन डाउनलोड करने वाले ये सारे। तो कहाँ से टेम्पलेट डाउनलोड करना, कहाँ से कोड मिलता है, मैं आज आपको वही बताने वाली हूँ, ठीक है। तो आज वही देखेंगे, सिंपल में हम सारी चीज़ें सीखेंगे ना कि कोड करते हुए बैठेंगे, ठीक है। तो सिंपली न्यू टैब पर चलते हैं हम, तो यहाँ पर हम अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं टिल्विन सीएसएस के, तो tilvincss.com ऐसे लिखोगे तो गेट स्टार्टेड पर आ जाओगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपके पास मेन्यूज है, यहाँ पर कंपोनेंट्स टेम्पलेट यहाँ पर ही आपको दिख जाता है, तो कंपोनेंट्स पर चलते हैं, ओके। तो हमें पर्टिकुलर कंपोनेंट चाहिए तो यहाँ पर आ सकते हैं, और उसका वेबसाइट देखो टिल्विन यूआई बोल के डिस्प्ले होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर डिस्प्ले भी हो चुका है फर्स्ट में आपको, ब्यूटीफुल यूआई कंपोनेंट्स क्राफ्टिंग विद टिल्विन सीएसएस, ओके। तो यहाँ पर आप नीचे आ सकते हो, ठीक है, तो हम नीचे स्क्रॉल डाउन कर देते हैं। तो यहाँ नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको सारे पेजेस सेक्शंस वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले होती है, ओके। तो यहाँ से आपको जो भी चाहिए, जैसे यहाँ पे एक लॉक का रहता है, एक फ्री में आपको मिलता है, लॉक यानी कि पेड रहेगा और फ्री वाले में लॉक वाला साइन नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे ये हीरो सेक्शन है, इसको ओपन कर लेते हैं सबसे फर्स्ट वाला, ठीक है। यहाँ पर देखो हमारे पास हीरो सेक्शन में भी पूरा एक पेज बना बनाया हुआ है, देखो न्यू बार है, उसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई है फ्रंट पेज में, जैसे होम पेज में हम लिखते हैं वैसी सारी चीज़ें। हमारा न्यू बार और हमने जो न्यू बार बनाया एक्चुअली वो सेम इसी की तरह बनाया है, ये देखो हमारा न्यू बार सेम डिटो इसी की तरह ही है। देखो ये जैसे मैं थोड़ा थोड़ा करके आती हूँ डेस्कटॉप पर, और डेस्कटॉप के लिए एज इट इज़ मेरा डिस्प्ले होता है,
और जैसे मैं टैबलेट और मोबाइल क्लिप पर आती हूँ तो एज इट इज़ मेरा डिस्प्ले हो रहा है, देख रहे हो। यहाँ पर और भी नीचे आओगे तो और भी लाइक आपको अलग अलग थीम में मिलेंगे, जैसे इसका बैकग्राउंड ब्लैक है, इसका अलग है, तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेना। मैं फर्स्ट वाला ही दिखा देती हूँ, ठीक है। ये वाला कुछ ऐसा है हमने बनाया इस, ओके। तो ये देखो इसके प्रीव्यू के साइड में आपको कोड आपके पास आ जाता है, ठीक है। इसको क्लिक कर देना है बटन को, तो आपके पास यहाँ पे देखो ऑप्शन भी है, रिएक्ट में चाहिए कोड या HTML में चाहिए या Vue.js में चाहिए। तो देखो हमें सिंपली कहाँ किस में चाहिए, हमें रिएक्ट में चाहिए, तो रिएक्ट पर आ जाते हैं। और यहाँ पर ही कॉपी कॉपी ऑप्शन है, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो पूरा कोड, है ना। पूरा रिस्पॉन्सिव कोड आपके पास यहाँ पे कॉपी हो रहा है, तो देखा कितना इजीली हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। अभी मैं क्या करती हूँ, इसको ना एक पेज के अंदर डालते हैं, तो हम क्या करते हैं home.js के अंदर पूरा ये डाल देते हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं home.js को ना कमेंट कर देती हूँ, एज इट इज़ मैंने कॉपी करा कोड यहाँ पे डाल देती हूँ, ठीक है। तो ऊपर चलते हैं, कहाँ पे चेंज करना है ये दिखाती हूँ मैं। तो देखो ये सारी चीज़ें एज इट इज़ रख दो, सिर्फ आपको ये वाला लाइन 25 वाला लाइन एक्सपर्ट डिफ़ॉल्ट हमने यहाँ पे एग्जांपल करा है, वहाँ पे आपको होम करना है, यानी कि हमारा फाइल का नेम, ठीक है। यहाँ पर देखो हमने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होम करा था, यहाँ पर भी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होम कर देंगे, दैट्स इट। बस इतना ही करना है आपको, इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर देती हूँ, तो मैं app.js के अंदर चलती हूँ, ठीक है। app.js के अंदर हमने क्या करा, हेडर होम और फुटर को करा था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि होम अभी सिर्फ होम ही डिस्प्ले करते, क्योंकि उसके अंदर नेवबार भी तो कोड है ना, तो बस इसीलिए, ठीक है। तो मैं इसको एक बार रन कर देती हूँ सेव करके। तो वैसे मुझे यहाँ पर एरर आ गया, तो हमारे पास बेसिकली दो एरर आ चुके हैं, तो चलो इनको हम रिजोल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं रिटर्न कोड पर आ जाती हूँ, तो ये देखो एक्स आइकॉन, यहाँ पर इन्होंने एक आइकॉन लिया है जो अलग आइकॉन है। एक्चुअली हमने आइकॉन फॉन्ट ऑसम का यूज़ करे ना, तो यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ, अभी के लिए इनको कमेंट कर देती हूँ, जो भी आइकॉन यहाँ पर इन्होंने यूज़ करा है कहाँ कहाँ, वो मैं वहाँ पर जाके इन दोनों को कमेंट कर देती हूँ। यहाँ पर भी दो दो ही आइकॉन है, ओके। तो इन दोनों को मैं हटा दिया यहाँ से और मैंने कमेंट कर दिया। तो अभी देखो मेरे पास एक ही एरर आ रहा है, ठीक है। एक एरर मेरा आइकॉन का था, सेकंड एरर ये वाला है, ठीक है। तो ये जो एरर आ रहा है ना, एक्चुअली इसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट करा है। तो ये क्या है, ये एक्चुअली एक पैकेज है, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है, उसको कॉपी करना है एंड यहाँ पर npm लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये एक पैकेज है, तो इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से npm में से यहाँ पे लेटेस्ट में जो भी है इसको इंस्टॉल कर लेते हो। वैसे आपको अगर वर्जन में चाहिए तो आप यहाँ पे वर्जन में आके देख भी सकते हो, ठीक है। आपके अपने रिलेटेड आप वर्जन में यहाँ से जाके कॉपी करके आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं 2.1.0 चाहती हूँ समझो, इस पर सिर्फ आपको क्लिक करना है। एक्चुअली ये जो है ना 2.1.0 जो था ना, वो लेटेस्ट ही है। मैं क्या करती हूँ, नीचे वाला लेती हूँ, तो ये वो देखो 2.1.2। तो ये अगर चाहते हो तो इस पर क्लिक करना है आपको बस। तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो ऐट द रेट लगता है और उसके सामने वो वर्जन लगता है, ठीक है। बाकी सब एज इट इज़ है हमारा, जैसे लेटेस्ट में हम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको क्लोज कर देती हूँ, ऑलरेडी मैंने उसको कॉपी करा है, ठीक है। इसको क्लियर कर देते सबसे पहले, और भी मैं इसको डाल देती हूँ npm इंस्टॉल और वो पैकेज, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम ले गए, थोड़ा सा वेट करते, ठीक है। जल्दी हो रहा है, यानी कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत छोटा पैकेज है मे बी, ठीक है। ओके हो भी गया, ये देखो अभी मैं फिर से npm स्टार्ट कर देती हूँ फिर, ठीक है। npm स्टार्ट कर देते हैं और देखते हैं हमारा अभी एरर चला जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ पर आते हैं रिफ्रेश करते हैं, ये देखो अभी क्या हो गया, मतलब अभी तक तो वर्क नहीं हो रहा है, रुको, मतलब पूरा npm स्टार्ट नहीं हुआ है, इस वजह से डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ओके एक वार्निंग आ चुका है, लेकिन यहाँ पर आते हैं रिफ्रेश करते एक बार, ये देखो हो गया ना हमारा प्रॉपर, हमारे पास एक दिख गया है ना हीरो सेक्शन एज इट इज़, ये जो कॉपी करा था हमने कोड एज इट इज़ डिस्प्ले हो रहा है। बस क्या डिफरेंस है मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमने लाइक वहाँ पे देखा था कि ये रिस्पॉन्सिव है ना, यहाँ पर हम चेक करते हैं इसको रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या कर देती हूँ, ये सारी चीज़ें तो हमारा पूरा बन के रेडी हो गया, अभी रिस्पॉन्सिव चेक करते एक बार। तो मैं यहाँ पर आती हूँ, फिर इसको थोड़ा सा छोटा कर, यहाँ पर मोबाइल व्यू में आती हूँ पहले, तो पहले इसको थोड़ा सा छोटा मतलब नीचे कर लेते, ठीक है। अभी डिस्प्ले हो रहा है प्रॉपर, तो ये कुछ इस तरीके से। अभी देखो ये क्या हो रहा है, टैबलेट के अंदर देखो, टैबलेट के अंदर ये वर्क होना चाहिए था, लेकिन एक आइकॉन हमारा मिस हो रहा है। तो आइकॉन क्यों मिस हो रहा है आपको पता है ना, हमने आइकॉन वहाँ पर हाइड कर दिया था ना, यानी कि पूरा निकाल दिया था कोड। तो बेसिकली हमें क्या करना है,
वहाँ पे आइकॉन हमने हटाया था ना, तो वो आइकॉन की जगह हमारे फॉन्ट ऑसम के आइकॉन्स हमें ऐड करने पड़ेंगे, तभी तो मुझे ये पूरा रिस्पॉन्स वर्क होता हुआ दिखेगा, है ना। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, अभी मैंने हटा दिया ना सारी चीज़ें, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पर फिर से आती हूँ, यहाँ से कोड ले लेती हूँ फिर से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी, ये एक दो क्या क्या हटाया मैंने मुझे भी नहीं पता, ठीक है। दो चीज़ें मैंने नीचे कहाँ पे उसको कॉल किया था क्या मालूम, इससे बेटर है मैं यहाँ से फिर से कॉपी कर लेती हूँ पूरे कोड को, ठीक है। यहाँ से इसको सब जगह को हटा देते हैं जो भी कोड हमने डाला है, और इसको डाल दिया, ओके, इसको रिप्लेस कर दिया। अभी मेरे पास वो आ गया आइकॉन का भी, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ देखो, इसको मैं अभी के लिए कमेंट कर देती हूँ, ठीक है, या तो इसको हटा भी सकते हो, ठीक है। ये हम यूज़ नहीं करने वाले, वैसे ही इसका ही एरर आ गया है देखो। तो इसका ऑनलाइन मैंने एक सोल्यूशन देखा कि यार देखो, अभी हमने इम्पोर्ट क्या करा है, आउटलेट करा है, तो इम्पोर्ट आप सॉलिड करके देख लो एक बार क्या वर्क होता है क्या, ओके। ये जो भी पैकेज है उस हिसाब से हमें डिस्प्ले होते हैं कि उसके आइकॉन्स, ठीक है, हम वो ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, एक बार। तो मैं कोड के अंदर आ जाती हूँ रिटर्न, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये आउटलेट मैंने करा था एज इट इज़ कॉपी पेस्ट, मैं अभी सॉलिड करके रख दिया, ठीक है, दोनों भी मैंने ऐड कर दिया, तो अब मेरे पास एरर आ रहा है एक्चुअली। तो ये एक्चुअली दो दो बार कॉल हुआ है, बस इसीलिए मैं भी एक को रखते एक को कमेंट कर देते, फिर सॉलिड को तो यही एरर आ रहा था, तो मे भी ये वर्क नहीं होता है, ठीक है, इसको टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। सिंपल सा हम अपना जो है ना, लाइक हमारे पास तो आइकॉन्स है ऑलरेडी, ठीक है, फाउंट ऑसम के, तो हम उसी का यूज़ करते हैं, चुप ये ऐसे इतना देखने में टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है। बेसिकली मुझे क्या करना है देखो, जहाँ जहाँ मैंने कॉल करा है एक्स मार्क की जगह हमारा फाउंट ऑसम का एक्स मार्क वाला मुझे आइकॉन डालना है, और जहाँ पर वो मेनू का था वहाँ पर वो मेनू का डालना है। ये देखो, ये एक्स मार्क का है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा मेनू का है, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या कर देती हूँ, एक तो मैं अपने अपना जहाँ पर है, लाइक हमने कहा करा था कंपोनेंट्स के अंदर, नाउ बार के अंदर, ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी हमारे फॉन्ट क्या बोलते हैं आइकॉन्स है, ठीक है। सबसे पहले तो इन दोनों को मैं इंपोर्ट कर लेती हूँ, ठीक है। ये दो चीज़ें हमें इंपोर्ट चाहिए, फॉन्ट ऑसम आइकॉन और ये, ठीक है। तो मैं दोनों को एक साथ ही कर लेती हूँ ना, कॉपी कर दिया और यहाँ पर आके इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। ये चीज़ें मैंने कर दी, अभी मुझे क्या करना है इसको हटा देती हूँ। तो मुझे जैसे यहाँ पर आ जाते हैं न्यू बार के अंदर, ठीक है, हेडर के अंदर, यहाँ पर देखो ये है हमारे पास एक मेनू का आइकॉन ये वाला, और एक्स मार्क लिखा हुआ ये है हमारे पास क्लोजिंग का, ठीक है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, फिर जहाँ पे एक्स मार्क लिखा हुआ है यहाँ से मैं चली जाती हूँ, ठीक है, कंट्रोल डी करते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देती हूँ, इसकी जगह है हमारा फाउंट ऑसम का जो एक्स मार्क है ना उसको मैं ऐड कर देती हूँ, और इसके अंदर जो भी क्लासेस थी जो भी थी वो सारी चीज़ें मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, ठीक है, इस वाले आइकॉन के अंदर, ठीक है। जो भी क्लासेस थे वो सारे इसको लग जाएंगे, सिंपल। मैंने कितने इजीली कर रही हो देखो, हमारे पास ऑलरेडी है ना, तो बस इसी वजह से, मतलब न्यू बार के अंदर हमने फाउंट ऑसम के यूज़ करा था है ना, तो फिर यहाँ पे फिर से काई को हम चुप दूसरा एक आइकॉन के लिए इंस्टॉल करें, इससे बेटर है जो फाउंट ऑसम यूज़ कर रहा है उसके आइकॉन से यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं ऐड कर लेती हूँ, फिर कहाँ पर है यहाँ पर, ओके, ठीक है, यहाँ पर भी सेम मैंने इनके क्लासेस ऐड कर देती हूँ इस वाले इसके अंदर, ठीक है, हो गया। अब सेव कर लेते हैं, अब मुझे प्रॉपर एक डिस्प्ले हो जाएगा, ये अभी वर्किंग नहीं है, इसको हटा देते, ठीक है। ये फाउंट ऑसम का हमने यहाँ पर इंपोर्ट भी कर दिया, ठीक है, अब रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, अब रिस्पॉन्सिव चेक करते हैं, ठीक है। तो देखो, जैसे मैं थोड़ा थोड़ा कम कर देती हूँ, टैबलेट पर आ जाती हूँ, तो मुझे डिस्प्ले होना चाहिए मेन्यू आइकॉन, हो रहा है देखो, अभी इसको क्लिक कर रही हूँ तो ये सारी चीज़ें ओपन हो रही है, देख रहे हो। जैसे मैं इसको लाइक मोबाइल पर भी ला रही हूँ, क्लोजिंग का भी ये हो रहा है, मतलब मेरा आइकॉन का ही एरर था, उसके अलावा एक पैकेज का था, बस इसके अलावा कुछ नहीं था। और कितना ईजिली हमने एक पूरा पेज बना भी दिया, देखा, इसी पूरे इसका यूज़ करके मैं कितने भी सेक्शन और बढ़ा सकती हूँ ना, तो सिंपल है ना ये, मतलब हमने पिछले वीडियो में कितना एक घंटा लगा दिया पूरा इस न्यू बार को बनाने में, कितना ईजिली देखो, 2 मिनट में मैंने कॉपी पेस्ट करके एक न्यू बार बना दिया। अगर आपको पता है कि कैसे बनता है, मतलब कैसे बनता है, उसके बाद आपको कॉपी पेस्ट मतलब कोड मिल रहा है, तो आप क्यों ना यूज़ करोगे, है ना। तो आपको सिर्फ पता होना चाहिए ना कहाँ से मिलता है, तो बस फिर मैंने वही बता रही हूँ कि आपको सिंपली
आपको टिलविन सीएसएस के यूआई पर ही जाना है, यानी कि टिलविन यूआई पर ही जाके आपके सारी चीज़ें मिल जाती है, ठीक है। तो अभी हमने ये देखा, इसके अंदर हमने होम पेज भी देखा। अब समझो कि मुझे और भी हमारे पास लाइक पेजेस है, उसके अंदर कुछ और सेक्शंस हमें ऐड करने, तो वो कहाँ से ले। हमने ऑलरेडी यूआई कंपोनेंट्स हम देख रहे हैं। एक्चुअली इस वेबसाइट पे बहुत सारे आपको सेक्शन वाइज भी मिलेंगे कंपोनेंट्स। ओके, हम वो सारी चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। अभी मैं क्या कर रही हूँ आपको बताती हूँ। जैसे समझो आपको टिलविन सीएसएस पता नहीं, आपके पास कोड भी आ चुका है, बेसिक पॉइंट है यार, आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। देखो, सिंपली आपको ये सारी चीज़ें आपको मिल गई, हमने ये सारी चीज़ें की, समझो आपके इसमें वर्क भी हुआ, आपने पैकेजेस इंस्टॉल करा और वर्क हुआ। अब आपको कुछ चेंज करना है, ठीक है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल कुछ चेंज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मतलब मुझे कोड अभी पूरा देखना पड़ेगा क्या क्या चेंज करना है बोल के? नहीं ना, मैं उतना भी मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ कि मैं पूरा कोड देखते बैठूँ। समझो ये जो टाइटल टाइप का लिखा है ना, डेटा टू इनरिच, तो इसको मुझे चेंज करना है, ठीक है। सिंपल है, ओके। ये देखो इतना सही कोड है पूरे इसमें, तो अभी मुझे डेटा टू वो वाला चेंज करना है कुछ टेक्स्ट। ओके, तो मैं क्या करूँगी, सिंपल इसको कॉपी कर लूँगी यहाँ से और यहाँ पर ले आऊँगी और कंट्रोल एफ प्रेस करके डायरेक्ट उस पर चली जाऊँगी। और कंट्रोल एफ करके यहाँ पर आ गई मैं, डेटा टू इनरिच और यहाँ पर लिखा हुआ था, मैं बोलूँगी वेलकम टू माई वेबसाइट, यहाँ पे चेंज कर दिया और बस फिर सेव कर लेंगे हम और वहाँ पर चल जाके रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो वेलकम टू माई वेबसाइट चेंज हो गया ना। तो आपको सिर्फ ऐसे कॉपी पेस्ट करके कंटेंट भी आप चेंज कर सकते हो। आपको सिर्फ क्या करना है, यूआई ही तो पूरा रिप्लेस करना है ना, इन जो भी कंटेंट है उसको चेंज करना है। सिंपली वहाँ से कॉपी करो, यहाँ पर कंट्रोल या दबा के सर्च करो, वहाँ पर जाके अपना कंटेंट ऐड करो, बस फिर है ना। कितना इजी हो गया, मतलब कोड आपके पास अगर अगर आपको ऐसे मिल रहा होगा तो आप कितना इजीली हर चीज़ कर सकते हो, है ना। अभी देखो ये प्रोडक्ट मुझे चेंज करना है, समझो अभी मुझे वहाँ पे कुछ होम वगैरह डिस्प्ले डालना है, कंट्रोल एफ कर दिया, ठीक है। ये देखो यहाँ पर हमने प्रोडक्ट वगैरह यहाँ पे डाला है, अच्छा यहाँ पे डाला है ऐसा बोलेंगे और यहाँ पर होम कर देंगे, फिर हो गया। अभी चलेंगे और यहाँ पर डिस्प्ले करें, हो रहा है, ये देखो होम। तो देखा, मतलब ऐसा, मतलब आपको कॉपी पेस्ट का ही काम है ऐसा समझो, मतलब इतना कुछ स्ट्रगल करो ही मत, कोड जानने की भी ज़रूरत नहीं। अगर आप लाइक इंस्टेड आप अगर एक वेबसाइट बना के जल्दी जल्दी में आपको दिखाना है तो ऐसे कर दो ना। और यहाँ पर देखो पेज सेक्शन के अंदर और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स है, जैसे मैंने बोला था यहाँ पर देखो ये प्राइजिंग सेक्शन ही कुछ इस तरीके से है, जो वो बेसिकली ये सारी चीज़ें आप ऐसे एज इट इज़ कोड आप ले सकते हो। ये देखो रिस्पॉन्सिव भी है, इसका सिर्फ आपको कोड आपको मिल जाता है, उस कोड को लेना है और कॉपी पेस्ट करना है उस कंपोनेंट में और कंपोनेंट का नेम चेंज करना है, दैट्स इट। और ये लाइक एक एक ऐसा है कि प्राइस के साथ है, एक एक है कि फ्री में, ठीक है। और यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे ये प्राइजिंग का ये भी हमारे पास है, लेकिन ये बैकग्राउंड ब्लैक में भी आपको मिल सकता है, ठीक है। एनुअल प्राइजिंग और मैनुअल प्राइजिंग आप ऐसा भी कर सकते हो, गेट कोड पर क्लिक करके आप जा भी सकते हो। और ये वाला देखो, ये वाला लाइक पेड है, ठीक है। तो अनपेड पहले ही देख लो ना, अनपेड ही आप सिलेक्ट कर लो और अनपेड ही जाके देखो और तभी आप अपने हिसाब से करो। ये सारे जो भी लॉक टाइप के डिस्प्ले हो रहे ना वो सारे पेड रहेंगे, ठीक है। इसको आपको क्लिक नहीं करना है बेसिकली, ठीक है। अनपेड वाले ढूंढते हैं, जैसे कि यहाँ पर नहीं है, ये देखो ये प्रोडक्ट फीचर का ही है ना, तो इसको आप यूज़ करो। फिर ये वाला भी प्रोडक्ट लिस्ट, इसको आप ले लो। जैसे यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, देखो पूरे प्रोडक्ट का जो भी हमारे पास एक प्रोडक्ट पेज रहता है ना, वो भी आपको ऐसे कुछ डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ से सिर्फ आपको कॉपी कोड करना है, ठीक है। कैसा चाहिए, देखो वन रो में 4 चाहिए, वन रो में 3 चाहिए, कुछ इस तरीके से इफेक्ट चाहिए, ये सारी चीज़ें देख के आप यहाँ से कोड कॉपी करना है बस। फ्री वाले देख लो टिलविन यूआई बोल के, ओके। उसके बाद यहाँ पर टेम्पलेट्स भी है, टेम्पलेट्स पर क्लिक करोगे तो ये देखो ये थोड़े से टेम्पलेट्स लाइक पेड रहेंगी, ठीक है। अगर आप पहले ऐसे आ जाओगे तो बेसिकली पेड ही मिलेंगे आपको, लेकिन फ्री वाले भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ लाइक यहाँ से भी आप ऐसे ले सकते हो, ठीक है। मतलब और भी मैं आपको वेबसाइट बताऊँगी जहाँ से आप फ्री में ले सकते हो, ठीक है, मैं आपको वो बताती हूँ। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ओके। टेलविन के यूआई पर से ही हमने ले लिया, ओके। मैंने कुछ फ्री टेम्पलेट के लिंक्स यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे जो भी लिंक्स डिस्प्ले हो रहे हैं ना, एज इट इज़ आप एक बार टाइप करके देख लेना, तो इनमें से मैं 2-3 आपको दिखा दूंगी, ठीक है। जैसे ये टेलविन सीएसएस का टेलविन यूआई जो
अभी हमने देखा था ये वाला, सेम मैं आपको दिखा रही हूँ वही ओपन करके, ठीक है। तो यहाँ से सेम मैंने अभी एग्जांपल दिया, वैसे आप हीरो सेक्शन और भी बहुत प्राइसिंग के वगैरह वो सारी चीज़ें आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये भी कंपोनेंट्स ही है। एक्चुअली मेरा नेट का थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं नेट फिर से कनेक्ट करके आती हूँ, ठीक है। ठीक है अभी ओके। तो देख रहे हो मतलब यहाँ पर टिलविन यूआई पर आपको सारे अभी जो हमने फॉर एग्जांपल देखा था वैसे ही आपको कॉपी करना है और कोड और वही यूज़ करना है। कितना सिंपल था आपने देखा ना, मतलब यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, शो मोर करोगे तो और भी मिलेंगे आपको, ओके। तो सेम ऐसे आपको जो जैसा भी चाहिए थीम वैसा आपके थीम के हिसाब से आप ले लेना। तो सेकेंड पे चलते हैं, ठीक है। तो सेकेंड लिंक भी टिलविन का ही है, तो टिलविन टूल बॉक्स बोल के, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको कंपोनेंट्स और टेम्पलेट मिल जाते हैं। जैसे देखो मैं अभी कंपोनेंट या टेम्पलेट में से कोई भी जा सकती हूँ, या नीचे आओगे स्क्रॉल डाउन करोगे तो पॉपुलर टेम्पलेट आपको यहीं पे डिस्प्ले हो जाएंगे, देखो। तो यहाँ से भी आप लॉगिन पेज या एडमिन टेम्पलेट या प्रॉफिट कार्ड ये सारी चीज़ें यहाँ से भी ले सकते हो। जैसे लॉगिन पेज पर चलते, ठीक है। तो सिंपली ये देखो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है, या तो फिर व्यू ऑन गिट हब भी कर सकते हो। तो गिटहब से जाके आप यहाँ पर देखो index.html है, तो html में आपके पास सारी कोड आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, पूरा कोड मिल रहा है आपको, देख रहे हो। तो मतलब कितना इजी हो गया ना, अभी हमारे पास बाय ऐसे बना बनाए सो कोड मिल रहा है, वो भी रिस्पॉन्सिव। यहाँ पे आप चेक करके भी ले सकते हो, देखो डेस्कटॉप पर ऐसा दिखेगा, टैबलेट पर ऐसा और मोबाइल पर ऐसा, है ना। तो आप यहाँ पे कुछ चेंजेस करके अपने हिसाब से दे देना, और लाइव भी प्रीव्यू आप कर सकते हो पूरे पेज का। तो ये पूरा पेज आपको वो चीज़ तरीके से मिलेगा, ठीक है, जब भी आप इसको डाउनलोड करके आप अगर अपने सिस्टम में टेस्ट करोगे तो, ठीक है। सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से चेंज करके यूज़ भी कर सकते हो। तो इसी तरह से कंपोनेंट्स भी आप ले सकते हो, पर्टिकुलर कंपोनेंट चाहिए तो कंपोनेंट ले सकते हो। जैसे ये देखो मॉडल है, मेगा मेन्यू है, और भी बहुत सारे, जैसे इमेजेस को कर सकते हो। रिस्पॉन्सिव टेबल चाहिए तो टेबल ले सकते हो, सर्कल अवतार चाहिए तो ऐसे वाला ले सकते हो, ई कॉमर्स कंपोनेंट्स है, मतलब जो भी आपके रिलेटेड रहेगा तो फ्री में आपको मिल रहा है, तो आप डायरेक्ट फ्री वाला यूज़ करो ना, मेरा मतलब यही है। सो थर्ड वाला एक ट्राई करते थे, ठीक है। तो ये भी टिलविंड ऑसम बोल के एक है, ठीक है। तो इसके अंदर चलते हैं, वेट थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम हो रहा है एक्चुअली, लेकिन आ जाएगा, वेट, ठीक है, आ गए। टिलविन ऑसम बोल के ये वाला भी है वेबसाइट, यहाँ से भी आप एक फ्री टेम्पलेट ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्राइस के हैं, कुछ फ्री में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर देखो ये सारे प्राइस के हैं, और यहाँ पे देखो फ्री बेबीज बोल के लिखा है, फ्री बेबीज के अंदर जाओगे तो ये सारी चीज़ें फ्री में मिलेगी। तो पूरा टेम्पलेट आपको मिल रहा है, देखो प्रीव्यू कर सकते हो और इसको डाउनलोड कर सकते हो, देखो यहाँ पे ज़्यादा अच्छे हैं ना, यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हो आपको जो भी चाहिए टेम्पलेट, ओके। तो एक्चुअली ये ओपन हो जाता है, तो नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मेरे से, आई डोंट नो क्यों। और यहाँ से आप गिट पर भी जाके इसका पूरा ये यहाँ से जिप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो डाउनलोड जिप पर करके डाउनलोड जिप भी कर सकते हो, या यहाँ से आप कॉपी भी पेस्ट कॉपी भी कर सकते हो कोड अगर आपको कुछ चाहिए तो, ठीक है। एक्चुअली ये लोड हो रहा है, छोड़ो कोई और दिखा देती हूँ मैं आप भी आपको। ये रिस्पॉन्सिवनेस भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट भी आपको दिखा देगा, तो अभी मैं कुछ अलग दिखा देती हूँ, ताकि वो रिलोड में थोड़ा सा टाइम ले रहा था ना, इसको दिखा देती हूँ। फिर ये भी टाइम ले रहा है क्या, नहीं नहीं ये आ गया, ये कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है, देखो, ठीक है। अपने हिसाब से देख के कर लो यार, मतलब ये देखो टैबलेट में कुछ इस तरीके से, मोबाइल में अगर चाहते हो तो मोबाइल में वाला भी डिस्प्ले होता है, ठीक है। मोबाइल में देखते हैं, तो ये देखो ऐसे कुछ डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप फ्री में आप टिलविन CSS के जो भी कोड है यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। ये वाला भी हो गया, सो नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ। तो क्रिएटिव टिन बोल के है, तो यहाँ पर तो ये तो बहुत बेस्ट है, ओके। यहाँ पर आपको एडमिन पैनल वो सारी चीज़ें मिलती है सारे लैंग्वेजेस में, मैं ज़्यादातर ये भी ज़्यादा यूज़ करती हूँ, ठीक है। एंगुलर में एडमिन वगैरह चाहिए तो ये फ्री में टेम्पलेट आपको देता है, रिएक्ट में भी चाहिए तो रिएक्ट में भी फ्री में आपको देता है, ठीक है। चलो ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। वैसे नेट का आज क्या हो रहा है पता नहीं, नेट एकदम से लो हो चुका है मेरा,
तो ओपन हो रहा है, ठीक है। ये देखो क्रिएटिव टीम पर भी आ गए हम लोग। यहाँ पर देखो फुल्ली कोडेड यूआई टूल्स टू क्रिएट वेबसाइट, ओके। यहाँ पे देखो बहुत सारे लैंग्वेजेस आपको यहाँ पे डिस्प्ले होता है। टेम्पलेट किस में चाहिए हमें, बेसिकली रिएक्ट में चाहिए तो रिएक्ट में आ गई में। तो यहाँ पर देखो डैशबोर्ड है, मटेरियल डैशबोर्ड, आपको पता होगा ना मटेरियल डैशबोर्ड यूज़ होता है डैशबोर्ड अगर आपको लाइक एडमिन पैनल अगर बनाना है तो। तो इसमें देखो एडमिन पैनल अगर अगर बनाना है तो पहले पहले आपको प्राइस वाले मिलेंगे, तो आपको लास्ट में जाना है, ओके। तो लास्ट वाले इसमें जाओगे तो फ्री में मिलेगा। देखो मतलब पहले पहले आप अगर आते हो तो प्राइस वाले फर्स्ट में डिस्प्ले होते हैं। जैसे 6 पर गई मैं डायरेक्ट तो मुझे फ्री में मिल रहे, 5th पर गई तो फ्री में मिल रहे। तो आपको बेसिकली लास्ट वाले में जाना है और आपको फ्री में यहाँ पर मिल जाता है। सिंपली यहाँ पे प्रीव्यू भी कर सकते हो, जैसे ये देखो लाइव प्रीव्यू, मैं यहाँ पे लाइव प्रीव्यू पर आ जाती हूँ तो ये देखो कुछ इस तरीके से हमारे पास पूरा ये आ जाता है, ठीक है। ये देखो ये डैशबोर्ड ही है ना, हाँ डैशबोर्ड ही है मे बी, ठीक है, हाँ डैशबोर्ड ये लिखा है तो उधर। तो देखो ये इस तरीके से आपके पास ये डैशबोर्ड बना हुआ है। मतलब यहाँ पे ये देख लो यार, मतलब डिज़ाइन विज़ाइन में तो रैंडम सा ऐसे ही कोई भी आपको प्रीव्यू करके दिखा रही हूँ, आप अपने हिसाब से जो चाहिए उसी को ओपन करके आप पूरा देख लेना। ये डैशबोर्ड का पूरा इंटरफेस कितना अच्छा है ये देखो, है ना। तो ऐसे आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करके आप प्रीव्यू लेके आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर मैं ओपन करके दिखाऊँ तो फ्री डाउनलोड यहाँ पर डिस्प्ले होता है। देखो अगर इसको क्लिक करोगे तो बेसिकली रेयर फाइल या जिप फाइल में आपके पास डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और उसको रन करने का कमांड आपको आपको पता ही होगा, लाइक npm init वगैरह करके आपको रन करना है, ठीक है। जैसे हम एडमिन पैनल बनाते हैं वैसे रिएक्ट एप्लीकेशन कैसे हम रन करते हैं वैसे आपको करना है, ठीक है। तो बस मैं जो यही बोलना था, अभी मैं क्या कर लेती हूँ इन सभी को हटा देती हूँ, क्योंकि अभी मैं इसको रखने वाली थी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि एक्चुअली हमें रिया का पूरा अभी कोर्स कंप्लीट करना है यार। अभी मैं फ्री में आपको सिर्फ टिलविन CSS का यूज़ करके कैसे ये बनाना वो बता चुकी हूँ, ठीक है। अभी रिएक्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं तो हमें वो सारी चीज़ें तो देखनी है, तो इसलिए हम टिलविन CSS का आज टॉपिक क्लोज कर रहे हैं। आज हमने देखा लाइक टिलविन CSS का मतलब आज ही नहीं, हमारे 3 वीडियोस हो चुके हैं टिलविन CSS पर। सबसे पहले इंस्टॉलेशन का पूरा प्रोसेस बताया, देन मैंने एक ट्यूटोरियल भी दिया। ट्यूटोरियल थोड़ा सा बड़ा था इसलिए 2 पार्ट्स में हो गया, फर्स्ट और सेकंड में। और थर्ड में मैंने ये बताया कि आप कहाँ से फ्री में टेम्पलेट्स या कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। एंड अभी ये भी देख लो कि फ्री टेम्पलेट जो मैंने निकाले हैं ना, जो लिंक मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर रही हूँ, एक्चुअली मैंने ये टेस्ट करे हुए हैं तो ये बहुत बेस्ट है वैसे देखा जाए तो। अगर और भी आपके पास मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बेसिक है और इसमें ना आपको पूरा ऐसा कोड फ्री में मिलता ही है। तो इसलिए आप ना मैंने 1-3-4 ही दिखाया ना, तो आप बाकी के ऐप्स खुद टेस्ट करना और एज इट इज़ लिंक जो भी है वो एज इट इज़ टाइप करके आप टेस्ट कर लेना, या स्क्रीनशॉट ले लो आप, ओके ठीक है। तो फिर मुझे बस इतना ही बोलना था कि आज का हमारा टिलविन CSS का पूरा टॉपिक क्लोज हो चुका है, यानी कि हमने टिलविन CSS यूज़ करके वेबसाइट बनाना और वेबसाइट को कैसे मतलब फ्री में ऐसे ही रैंडम सा कोड अगर उठा के उसको चेंजेस कैसे करना वो भी हमने देख लिया, ठीक है। अगर आपको आता है लाइक मैंने जैसे बोला, आपको ट्यूटोरियल अगर आता है ना, मतलब टिलविन CSS में चेंजेस अगर करने आते हैं ना, तो करते मत बैठो कोड, ओके। आप कहीं से उठा लो, डाल लो अपने इस पर और उसको चेंजेस करके आप बना के जल्दी में दे दो, है ना। मतलब इजी हो जाता है, आज के टाइम पे कोई भी इतना बनाते नहीं बैठता है ना, बहुत टाइम लगता है, तो इससे बेटर है ना। तो आपको टेम्पलेट मालूम होना कि कहाँ से डाउनलोड होते हैं, तो बस इसीलिए मैंने ये वीडियो निकाला है, ठीक है। तो आज फिर टिलविन CSS का पूरा कंप्लीट हो चुका है जो भी हमारी सीरीज थे या जो भी हमारे वीडियोस थे, ठीक है। सो हम कंटिन्यू कर देते हैं रिएक्ट पार्ट को, ठीक है। अभी आने वाले वीडियो सारे रिएक्ट पर ही रहेंगे हमारे, तो रिएक्ट का जो प्लेलिस्ट है ना उसी को फॉलो करना आप, ठीक है। तो उसी के अंदर मैं रिएक्ट के सारे बेसिक जो भी हमारे बचे हुए लाइक टॉपिक्स है वो सारे कवर करते रहेंगे। रिएक्ट के साथ हम फुल स्टैक यानी कि मर्न स्टैक का पूरा कोर्स कंप्लीट करने वाले, तो इसलिए मेरे वीडियोस बिल्कुल भी मिस मत करना। मैं पूरा मर्न स्टैक का बेसिक यानी कि रिएक्ट से लेके सारी चीज़ें, एक्सपर्ट्स और मंगो का कैसा हो सारी चीज़ें बोलने वाली हूँ, ठीक है। तो चलो ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना ही था। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, थैंक यू।